दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें अभी खत्म भी नहीं हुई है कि एक और बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपका खाता लक्ष्मी विलास बैंक में है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक फिलहाल लगा है और इस दौरान बैंक के ग्राहक 25,000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकते हैं। भले ही ग्राहक उस ग्राहक का लक्ष्मी विलास बैंक में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो और इन 25,000 में चेक से पैसे निकालना शामिल है, डीडी से पैसे निकालना शामिल है, एटीएम से पैसे निकालना शामिल है, सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालना शामिल है, करंट अकाउंट से पैसे निकालना शामिल है, एलआईसी प्रीमियम या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भरते हैं तो वो शामिल है, अगर ईएमआई कोई ग्राहक चुकाता है तो वो शामिल है, तो इस सब मिलाकर के 25,000 से ज्यादा ग्राहक नहीं निकाल सकते हैं अगले आदेश तक 16 दिसंबर तक। अगर इससे ज्यादा के पैसे निकालने हैं तो फिर आरबीआई की अनुमति लेनी होगी और खास खास परिस्थितियों में ही 25,000 से ज्यादा की रकम निकाल सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक, जैसे कि शादी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या फिर किसी बीमारी के इलाज के लिए ही। तो अब सवाल है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर जो प्रतिबंध लगाया गया है क्यों लगाया गया है। दरअसल बैंक की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी, इसका जो नेटवर्थ है वो निगेटिव में चला गया था, बैंक का एनपीए काफी अधिक बढ़ गया था और इससे भी बड़ी बात यह है कि बैंक के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी जिससे कि आने वाले दिनों में बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, आर्थिक संकट से बाहर निकल सके। साथ ही साथ बैंक नई पूंजी जुटाने में नाकाम हो रहा था, ग्राहक पैसे निकाल रहे थे तो इन सब के कारण बैंक की हालत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से बैंक के खिलाफ आरबीआई को प्रतिबंध लगाना पड़ा है। तो प्रतिबंध के तहत आरबीआई ने बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको भंग कर दिया है और उसकी जगह पर अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा ये देखना कि बैंक में जो गड़बड़ियां हुई हैं, बैंक में जो चूक हुई है उसके क्या वजह हैं और फिर उन वजह को ढूंढ करके बैंक की स्थिति को सुधारने के लिए सलाह देना। तो इस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक मुश्किल में हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएमसी बैंक पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था जो कि अभी भी जारी है। साल भर से ज्यादा प्रतिबंध लगाया हो गया लेकिन अभी भी पीएमसी बैंक के ग्राहक अपने पूरे पैसे निकाल नहीं सकते हैं। जो लिमिट तय की गई है उतने ही पैसे पीएमसी बैंक के ग्राहक अभी भी निकाल सकते हैं। कुछ समय पहले यस बैंक के ग्राहकों के साथ भी ऐसी मुश्किलें आई थी, हालांकि उनकी मुश्किलें तो जल्द ही टल गई थी। तो लक्ष्मी विलास बैंक के देश भर में फिलहाल करीब 600 शाखाएं हैं और करीब 1000 एटीएम हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। उम्मीद करते हैं कि इस बैंक की मुश्किलें जल्द खत्म हो। तो मुश्किलों को जल्द खत्म करने के लिए आरबीआई ने बैंक के विलय की एक योजना भी पेश की है। आरबीआई ने डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय की एक योजना पेश की है। तो इसके लिए आरबीआई ने सभी जुड़े हुए पक्षों से फीडबैक मांगा है, प्रतिक्रिया मांगी है 20 नवंबर तक। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।